वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्वेता स्टाइल, जहाँ मैं अपलोड करती हूँ फैशन, मेकअप, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो ये सारे वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो बेल बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप सबसे मिस ना हो। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कलर की आउटफिट के साथ कैसे कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमने जो आउटफिट पहना है उसके साथ कौन सी कलर की लिपस्टिक मैच करेगी। तो कई बार ऐसा होता है हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, NCC में देखते हैं तो हम सोचते हैं मैच नहीं कर रहा, फिर उसको हम पोसते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमें मेकअप भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी गलती आपके साथ, मतलब ऐसा कंफ्यूजन आप सबके साथ ना हो ज़्यादातर, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना, ये मैंने कुछ 2-3-4 सालों में खुद सीखा है। मैंने पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि कोई सा भी लिपस्टिक लगा लेती थी एंड समझ में नहीं आता था कि मतलब कौन से कपड़े के साथ कौन सी लिपस्टिक मैच करती है, कौन सा शेड मैच करता है। पहले मैं भी बिल्कुल नहीं समझ पाती थी, कोई सा भी लगा लेती थी। ज़्यादातर मैं रेड या पिंक ही लगाती थी उस समय, पहले जब मैं इंटर पास किया था एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं एंड कुछ मैंने इंस्टाग्राम से सीखी हैं एंड कुछ मैंने एक्ट्रेसों को देख के सीखा है कि उन पर वो किस तरीके से अपने ड्रेस के साथ लिपस्टिक का मैच करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सीखा है, जो कि 3-4 सालों के बीच में। तो मैं ये सब आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, कलर के कपड़ों के साथ कौन सी कलर की लिपस्टिक मैच करती है। तो लेट नहीं करते हैं, जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ग्रीन कलर के आउटफिट के साथ। तो ग्रीन कलर का आपका कोई भी ड्रेस हो, साड़ी हो, कुर्ती हो, कोई सा भी आउटफिट हो आपका ग्रीन कलर का, जिसमें ज़्यादातर कलर आपके ग्रीन हो, तो उसमें हमेशा आप देखना कि इसमें ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है, ऑरेंज कलर की एंड पिंक कलर की लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। मैं साइड में अपना फ़ोटोज़ भी आपको दिखाती जाऊँगी। मैंने भी काफ़ी बार ग्रीन कलर में पिंक कलर लगाया है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड ग्रीन के साथ पिंक कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ग्रीन के साथ रेड कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रेड में आप चूज़ करें कि अगर आपका आउटफिट डार्क ग्रीन कलर का है तो आप चूज़ करें कि एकदम डार्क रेड कलर का, ज़्यादा डार्क रेड कलर की आप लिपस्टिक्स ना अवॉइड करें। बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मैं आपको एक पर्टिकुलर शेड दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेड कलर आपको इस आउटफिट के साथ मैच कर, मतलब आपको इस आउटफिट के साथ रेड कलर चूज़ करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क रेड कलर ही चूज़ करो, ऐसा नहीं है। रेड कलर में जितने ही शेड आते हैं आप उनमें से अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई सा भी शेड चूज़ कर सकते हो। तो आपको रेड ही चूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको रेड एंड मरून के अंदर का शेड नहीं लेना है, आपको रेड कलर का ही शेड, अलग अलग शेड जो भी आपको सही लगे आप वाला चूज़ कर सकते हो, आपको मरून में नहीं जाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये पिंक कलर की, तो पिंक कलर में जो है अक्सर हमेशा पिंक कलर की ही लिपस्टिक अच्छी लगती है। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका आउटफिट डार्क है तो आप थोड़ा सा लाइट पिंक, लाइट शेड का या फिर पिंक न्यूड वाला शेड ट्राई कर सकते हो। अगर आपका आउटफिट लाइट पिंक है तो आप डार्क पिंक लिपस्टिक, ऐसी लिपस्टिक चूज़ कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड नेक्स्ट कलर है रेड कलर, तो रेड कलर पे कौन सी लिपस्टिक चूज़ करें आप? तो रेड कलर पे हमेशा रेड कलर की ही लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो अगर आपका डे का टाइम है, अगर आप डे में जा रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि इवेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो अगर रेड कलर की आउटफिट पहनी है तो रेड कलर की लिपस्टिक लगा लो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़कीला सा लगता है, मतलब काफ़ी ओवर हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको रेड कलर पर न्यूड लिपस्टिक लगानी है डे में। अगर आप रात को पार्टी में जा रहे हो नाइट में, तो आप रेड कलर पर रेड ही लिपस्टिक लगाएं, रेड कलर की आपकी साड़ी हो, ड्रेस हो, गाउन हो, जो भी हो, उसमें रेड लिपस्टिक नाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड दिन में आप कोशिश करें कि आप अपने मतलब अपने इवेंट के हिसाब से, अपने जहाँ पे आप जा रहे हो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर काफ़ी नॉर्मल आपकी पार्टी है, नॉर्मल मतलब आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप न्यूड कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा सही है तो आप रेड कलर की लिपस्टिक चूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं ब्लैक कलर की कपड़ों की।
तो ब्लैक कलर की जो आउटफिट है ना, इसमें सारे ही कलर मैच करते हैं ब्लैक कलर पे। तो ब्लैक कलर पे आप कोई सी भी लिपस्टिक चूज़ कर सकते हो, मतलब रेड कलर की, पिंक कलर की, ऑरेंज कलर की, एंड जो मरून कलर की, सारी ही लिपस्टिक चूज़ कर सकते हो। एंड मुझे पर्सनली जो है रेड ब्लैक कलर पे मुझे न्यूड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर ब्लैक कलर पे न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर एक ओवरऑल काफ़ी डार्क कलर होता है, जो कि एक इंसान के, मतलब अगर आप पहनोगे तो एकदम से शो होता है ब्लैक कलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लिपस्टिक जो है आपकी न्यूड होनी चाहिए, और मेकअप भी थोड़ा न्यूड होना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। तो मुझे पर्सनली जो है ब्लैक कलर पे न्यूड कलर ज़्यादा बेस्ट लगता है। और ब्लैक कलर पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर डार्क रेड कलर पार्टी में या फिर डार्क मरून कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। वैसे तो सारे ही कलर के साथ जा सकते हो, बट बेस्ट मुझे पर्सनली न्यूड कलर लगता है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा था ब्लैक कलर पे न्यूड कलर। और साइड में मैं अपनी पिक्चर भी, अगर मुझे पिक्चर्स मेरी मिलेगी तो मैं अटैच कर लूँगी। मैंने बहुत बार जो है ब्लैक कलर पे न्यूड कलर लगाया है, तो न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाया है, तो अगर पिक्चर मिलेगी तो मैं आपको साइड में दिखाती जाऊँगी। तो एंड सेकेंड जो है मरून कलर एंड रेड कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट में। डे में उतना अच्छा नहीं लगता है, डे में काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो नाइट में कोशिश करें कि नाइट में आप मरून और रेड कलर ब्लैक कलर की ड्रेस पे यूज़ मतलब लगाएं। बाकी आप कोई भी कलर की लिपस्टिक के साथ जा सकते हो ब्लैक कलर के आउटफिट में। एंड नेक्स्ट जो है वाइट, तो वाइट कलर भी ब्लैक कलर की तरह एक ऐसा कलर है जो कि आप कोई सारी लिपस्टिक इसमें भी लगा सकते हो। चाहो तो पिंक लगा सकते हो, रेड लगा सकते हो, और कोई सा भी आप लगा सकते हो, कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। इसमें भी सारे ही कलर के साथ मैच करता है, बट मुझे पर्सनली मैंने देखा है कि मुझे वाइट कलर पे पिंक कलर एक ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझ पर पिंक कलर सूट करता है ऐसा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वाइट कलर पे जो है डार्क मरून कलर की लिपस्टिक एंड इस टाइप की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है। वाइन कलर की लिपस्टिक, कुछ इस टाइप की लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा शो देती है, तो इस टाइप की लिपस्टिक आप ट्राई कर सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली जो है मेरे ऊपर पिंक कलर का ज़्यादा सूट करता है वाइट कलर के आउटफिट पे। और वैसे डार्क कलर की लिपस्टिक ना, वाइन कलर की, मरून कलर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं येलो कलर के आउटफिट में। तो आप देख सकते हो कि येलो कलर का आउटफिट मैंने अभी पहना हुआ है, तो इसमें ना काफ़ी लाइट येलो कलर है, तो लाइट येलो कलर है, तो मैंने डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक इसमें लगाई है। तो आप येलो कलर के आउटफिट पे पिंक कलर की लिपस्टिक लगा सकते हो, ऑरेंज कलर की लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क पिंक ही लगाना है, डार्क ऑरेंज कलर ही लगाना है। आप ऑरेंज कलर में बहुत सारे शेड अवेलेबल है, आप लाइट शेड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लाइट पसंद हो। और पिंक कलर में भी आप लाइट न्यूट पिंक कलर भी चूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरा आउटफिट काफ़ी फीका है, तो इसलिए मैंने डार्क पिंक लगाया। अगर मेरे आउटफिट यहाँ पे डार्क येलो कलर में होता ना, तो फिर मैं लाइट पिंक चूज़ करती या फिर लाइट ऑरेंज कलर चूज़ करती। इसके बाद बात करते हैं गोल्डन कलर की आउटफिट या फिर बेज कलर की कुछ आउटफिट, जो कि काफ़ी सटल एक कलर होता है, मतलब काफ़ी गोल्ड कलर में और बीच कलर के आउटफिट पे। तो इस कलर के आउटफिट पे हमेशा डार्क कलर की लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने देखा है कि मतलब इस कलर, इस जो वाली आउटफिट होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा डार्क मरून कलर की या फिर डार्क वाइन कलर की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे इसके सिवा कोई और लिपस्टिक उसमें ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप गोल्डन या बेज कलर की कुर्ती वगैरह या फिर साड़ी पे, हाँ आपने रेखा को देखा होगा, रेखा मैम को, एक्ट्रेस को, वो हमेशा गोल्डन साड़ी पे डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लगाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपका लुक। तो वही वाली लिपस्टिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपके बेज कलर के कपड़ों पर या फिर गोल्डन कलर के कपड़ों पर। इसके बाद बात करते हैं ब्लू कलर के आउटफिट पे। तो ब्लू कलर के आउटफिट पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लू कलर के आउटफिट पे कौन सी लिपस्टिक लगाएं। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि ब्लू कलर में ना मरून, डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लगा लेते, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि डार्क आपका आउटफिट ब्लू कलर अपने आप में बहुत ज़्यादा डार्क है। तो अगर आप उसमें ही काफ़ी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा देंगे, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ जाएगा।
जो ब्लू कलर, मेरे हिसाब से ब्लू कलर में ना पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो अगर आपका आउटफिट ज़्यादा ही डार्क ब्लू है, ज़्यादा डार्क ब्लू है, तो आप कोशिश करें कि आप उसमें लाइट पिंक कलर चूज़ करें, डार्क पिंक अवॉइड करें। अगर आपका स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर है, तो आप उसमें डार्क पिंक कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका आउटफिट मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप कोशिश करें कि उसमें लाइट पिंक चूज़ करें। एंड ब्लू कलर के साथ मैंने देखा ना, न्यूड कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डे में है ना, डे के फंक्शन या डे में यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू कलर में जो है न्यूड कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपनी पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, मैंने भी एक बार ब्लू कलर में न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पिक्चर तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी साइड में। इसके बाद बात करते हैं मरून कलर के आउटफिट पे। तो मरून कलर का जो आउटफिट है ना, इसमें तो मरून कलर की ही कपड़े, मतलब मरून कलर की लिपस्टिक ही सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मरून कलर की लिपस्टिक या फिर रेड रोज कलर की लिपस्टिक या फिर वाइन कलर की लिपस्टिक, तो कुछ ऐसी लिपस्टिक मरून कलर के ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस टाइप की लिपस्टिक आप मरून कलर के ड्रेस में चूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं पर्पल कलर के ड्रेस में। तो पर्पल कलर के ड्रेस में हमेशा पर्पल कलर की ही लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो आजकल पर्पल कलर की लिपस्टिक तो ट्रेंड में है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो कि आपको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए, तो उस हिसाब से आप कलर तो चूज़ कर ही सकते हो। और पर्पल कलर पे ना पिंक कलर की लिपस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने देखा है पिंक कलर की लिपस्टिक भी पर्पल कलर को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि शेड उसी में आता है ना, पर्पल कलर का शेड पिंक कलर में ही आता है। तो आप पिंक कलर की लिपस्टिक भी पर्पल आउटफिट में चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, ये मैंने आप सबके साथ शेयर करा कि किस रंग के आउटफिट के साथ कौन से रंग की लिपस्टिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इससे रिलेटिव आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करके भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूँगी आपका। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है श्वेता मल्लिक, लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकें। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।